प्रजा को अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष कर इतिहास बनाने वाले महान स्वाधीनता सेनानी माद्री कालो। जोहार नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी के सीरीज स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि हम एक एक कर भारत के समक्ष आदिवासियों की वीर गाथा और वीरांगनाओं की वीर गाथा आपके समक्ष लेकर जरूर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सन 1897 में आदिवासी नेता माद्री कालो का विद्रोह गंगपुर राज्य में पहला आदिवासी विद्रोह था, जिसने 1939 में निर्मल मुंडा के नेतृत्व में गंगापुर में एक बड़े आदिवासी विद्रोह की नींव रखी, जिसे इतिहास में पुलिस गोलीबारी के लिए बहुत घटनापूर्ण के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में माद्री कालो के बारे में कोई विवरण नहीं है, क्योंकि वे उसे एक ऐसे नेता के रूप में चित्रित करते हैं जिसने अपने और कुछ अन्य असंतुष्ट आदिवासी नेताओं के निहित स्वार्थों के लिए सरकार के खिलाफ मेली शुरू की थी। छोटा नागपुर राज्य के गंगपुर राज्य के कुरेईवगा गांव में 1848 ईस्वी में जन्मे माद्री कालो एक गोटिया या ग्राम प्रधान थे, जिनका कार्यकाल हर 5 साल में नवीनीकृत होता था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण कालो और माता का नाम हरावती था। लक्ष्मण कालो एक संपन्न, क्षमतावान और प्रजा के सुख दुख के साथी थे। गंगपुर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शासक प्रमुख के सीधे नियंत्रण में आने वाले राजस्व गांव को खालसा गांव के रूप में जाना जाता था और ऐसे गांव के मुखिया को गोटिया के रूप में नामित किया गया था। रिकॉर्ड में परिकल्पित गोटिया के अधिकार और कर्तव्य किराएदारों से मालगुजारी इकट्ठा करना और गोटियारी गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, जिसके लिए उन्हें भोगरा के बड़े हिस्से का आनंद मिलता था, यानी किराया मुक्त सेवा भूमि और राजस्व का 25% उनके द्वारा कमीशन के रूप में एकत्र किया जाता था। इसलिए वह मौजूदा गोटिया के कार्यकाल की समाप्ति के बाद गोटियारी को सबसे अधिक बोली लगाने वाले को देना चाहते थे। परिणाम स्वरूप 1895 के बाद मौजूदा आदिवासी गोटियाओं की गोटियारियों को खतरा हो गया, क्योंकि संबलपुर और अन्य पड़ोसी राज्यों के गैर आदिवासी धनवान लोग गोटियारी के लिए संभावित आकांक्षी बन गए। इसके परिणाम स्वरूप भूइयां गोटियारियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने माद्री कालो के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। माद्री कालो 6 राजस्व गांवों के गोटियार थे, जैसे कुरेईबागा, गुधियाली, जमपल्ली, लिपलोई, सियालजोर और लमलोई, और अपनी गोटियारी सेवा के लिए उन्होंने 20 गांवों में भोगरा भूमि के बड़े हिस्से का किराया मुक्त सेवा भूमि मिलता था। सुंदरगढ़ और पानपोस सब डिवीजन को मिलाकर गंगपुर राज्य था। यह गंगपुर राज्य माद्री कालो की कर्मभूमि थी। गंगपुर राज्य का पश्चिमी भाग छोटा नागपुर मालभूमि और महावीर कालो पर्वतमालाओं का मध्यवर्ती भाग कृषि उपयोगी था। गंगपुर राज्य छोटा नागपुर, जोशपुर, संबलपुर, वामरा, बढ़ई, सिंहभूम से घिरा हुआ था। 1881 में यह राज्य छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आ गया था। गंगपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र था। वह अस्त्र शस्त्र चलाने में माहिर थे। उनका विवाह वृंदावती के साथ हुआ। उस समय बहुविवाह का प्रचलन था, तो उनका दूसरा विवाह जनजाति सामाजिक परंपरा के अनुसार तुलसी नाम की एक और कन्या के साथ हुआ। माद्री कालो गरीबों के प्रति सहानुभूति रखते थे, इस कारण वह राज्य के कर्मचारियों को पसंद नहीं आते थे। माद्री कालो भूइयां समुदाय से थे, जो गंगपुर में शांतिपूर्ण थे, हालांकि क्योंझर और बोनाई में वे उनसे पहले ही विद्रोह कर चुके थे। उस समय रघुनाथ शेखर देव गंगपुर राज्य के राजा थे। रघुनाथ शेखर देव के नाबालिग होने के कारण उनकी माता राजकाज का संचालन करती थी। माता की मृत्यु के बाद रघुनाथ शेखर देव के चाचा गजराज शेखर देव को राज्य परिचालन का दायित्व मिला, लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के कारण राजा के प्रति षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। 1897 में राजा रघुनाथ शेखर देव द्वारा भू राजस्व में अचानक वृद्धि के कारण अशांति उत्पन्न हुई। गजराज शेखर देव ने जनता से कर वसूली की सीमा दोगुनी से भी ज्यादा कर दी। इसके कारण जनता को परेशानी होने लगी। इसके चलते सभी स्थानीय जमींदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। सभी जमींदारों ने मिलकर राजा के खिलाफ छोटा नागपुर की कमिश्नरी में अर्जी दी, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अंग्रेज भी राजा से मिले हुए थे। मदारी कालो भी अंग्रेजों और राजा की इस नीति का विरोध करते थे। वह लोगों में बहुत लोकप्रिय थे, इस कारण उनके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ गई थी। उनके प्रमुख शत्रु भगवतिया साहू थे,
कर की अदायगी ज्यादा होने के कारण लोग कर नहीं दे रहे थे। मादरी कालो भी जनता के साथ थे, इस कारण उनसे जमींदारी छीन कर उनके शत्रु भगवतिया साहू को दे दी गई। मादरी कालो ने इसका विरोध किया, पर राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने राजा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसी समय देश में रेल लाइनें बिछाए जाने का काम शुरू हो चुका था। इसके लिए अंग्रेजों को अधिक श्रम करने वाले आदिवासियों की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें काम करने के बदले में उचित मेहनताना नहीं मिलता था। अंग्रेजों द्वारा कर के नाम पर की जाने वाली लूट का विरोध करने के लिए उन्होंने हथियार उठाया। रेल पथ का निर्माण करने के लिए अंग्रेज आदिवासी समाज से बिगाड़ी करवाते थे। वर्ष 1894 में मादरी कालो ने उसका भी विरोध किया और नारा दिया, अधिक कर नहीं देंगे, बेगारी का काम नहीं करेंगे, प्रजा पर जुल्म नहीं होने देंगे। उनके साथ भुइयां, गंड, खड़िया आदि सभी समुदाय के लोग थे। राज शक्ति और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई के लिए मादरी कालो ने प्रजा को संगठित किया। उनके इस विद्रोह में लोग उनके साथ हो गए। आंदोलन तीव्र होता चला गया। 1894 में अंग्रेजों के पिट्ठू राजा ने सेना के माध्यम से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। उसने मादरी कालो के इस आंदोलन को दबाने के लिए उनके परिवार और गांव के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। राजा ने आंदोलन को दबाने के लिए कमिश्नरी से सहयोग मांगा तो अंग्रेजों ने तत्काल उसे अंग्रेजी सेना उपलब्ध करवा दी। जब कई वर्षों के प्रयास के बाद भी मादरी कालो को पराजित नहीं किया जा सका तो अंग्रेजों ने लालच देकर मादरी कालो के साथ के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया। मादरी कालो को युद्ध की पारंपरिक कला में विशेषज्ञता हासिल थी, इसलिए जब उसने अपने हथियार उठाए तो अधिकारियों के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया, जो दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में छिप गए। उसे पकड़ने का कोई रास्ता न मिलने पर अंग्रेजी सरकार ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया। मादरी कालो का क्रीड़ा स्थल महावीर पर्वत था। एक दिन वह महावीर पर्वत पर अपने आराध्य देवता की पूजा कर रहे थे तो अंग्रेजों को इसकी सूचना मिल गई। अंग्रेजों की सेना ने राजा के सिपाहियों के साथ मिलकर उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। मादरी कालो के मित्र पुरंगा के गोटिया की मदद से पुलिस ने उन्हें सन 1900 में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई, जिसमें से उन्होंने 6 साल सुंदरगढ़ में और 4 साल रांची जेल में बिताए। उनके जीवन का अंतिम भाग बहुत कष्टमय था। जेल से उनकी रिहाई के बाद विद्रोह के फिर से शुरू होने की आशंका से गंगपुर राज्य प्राधिकरण ने उनके पैर की नस को काटकर उन्हें वस्तुतः अपंग बना दिया था। उनकी गिरफ्तारी के कारण आंदोलन समाप्त हो गया। कारावास में उन पर असहनीय अत्याचार किए गए। जेल में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उनके पैर अशक्त हो गए और चलने के मोहताज हो गए। 1910 में उन्हें उसी स्थिति में रिहा कर दिया गया, लेकिन 1914 में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्रजा के हित के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आदिवासी समाज के लोग स्वभाव से ही स्वाभिमानी होते हैं, इसी को आत्मसात करने वाले मादरी कालो विप्लव के महानायक थे। ऐसे अमर बलिदानी मादरी कालो को सत सत नमन।